नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि है रेशम क्लासेस, ऑलराउंडर, ऑथेंटिक और सबसे भरोसेमंद और सबसे फास्ट चैनल। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ये गलती मत कीजिएगा कि कभी भी सब्सक्राइब का बटन दबाना भूलिएगा नहीं, वरना एक बार आप ये गलती कर चुके तो पछताना जरूर पड़ेगा, क्योंकि फिर आप ऐसे बोरिंग चैनल पे जाओगे जहाँ बहुत आपको स्लो बताया जाएगा, एक दिन के अपडेट 10 दिन बाद बताई जाएगी। और हाँ, फिर आप ये पछताओगे कि हमारा लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, हम क्यों नहीं प्रमोट हुए, या फिर एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें सही सही क्यों नहीं मिली, फ्री असाइनमेंट क्यों नहीं मिला, क्यों सब हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, असाइनमेंट फ्री मिल रहा है फिर भी, बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा सवाल। तो इन सारे सवालों के सिर्फ एक सटीक जवाब है कि चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। आपको बहुत सारे डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर डीप ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी आपको पता चलेगी, तो जो सीक्रेट्स भी है वो भी यहाँ पे खुल जाएंगे। और जी हाँ, सारे नाम भी यहाँ पे जरूर लिए जाएंगे, लिस्ट भी दिखाई जाएगी, सब कुछ दिखाया जाएगा। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि अभी तक आप हमारे साथ जुड़ चुके होंगे और बहुत सारे जो फायदे हैं यहाँ पे ना, उसका लाभ भी आप उठा रहे होंगे। फ्री में असाइनमेंट, फ्री में प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर, जिसके एक पेपर का प्राइस ऑलमोस्ट 500 से अबव भी रखते हैं ये दूसरे चैनल वाले, या फिर आप खरीदने जाओ तो खुद देख लो, कहीं भी फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ सब कुछ फ्री मिलेगा। और जी हाँ, लेक्चर्स, वीडियो ऑन डिमांड, सब कुछ। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन वेट, आरवी की एडवाइस में आना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो आपको समझता है, जी हाँ, आपके दिल का ख्याल रखता है। तो फिर चाहिए ना, दिल का ख्याल खुद रखिए, लाइफ की केयर खुद कीजिए, आपकी लाइफ आपकी मर्जी। और जी हाँ, उसके साथ सपोर्ट करने के लिए हम है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए यहाँ पे। लेकिन चलिए, इससे पहले बात करते हैं आज की बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स और बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे एक अनाउंसमेंट आई थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, बहुत सारे सवाल हैं आपको। सबसे पहले सवाल दिखाते हैं, पोस्टपोन फरवरी एग्जामिनेशन, फरवरी एग्जामिनेशंस पोस्टपोन हो गई, उसके बाद ये एग्जामिनेशंस अब कब होगी? फरवरी एग्जामिनेशंस भी पोस्टपोन हो गई और एग्जामिनेशंस अब कब होगी? क्या कोई आइडिया है, क्या आइडिया है आपको कि आपके साथ हो क्या रहा है? शायद नहीं। आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी रहती है और आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी रहता है। फरवरी एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गई तो कितने साल बर्बाद होंगे, कितने महीने बर्बाद होंगे, कितने दिन बर्बाद होंगे, कितने घंटे बर्बाद होंगे, और हाँ, कितने सारे फॉर्म, एप्लीकेशंस, जॉब अपॉर्चुनिटी, कितने सारी चीज़ें आपसे चली जाएंगी, आपको पता है, और ये चीज़ होने वाली है। चले अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर ऑफिशियल्स की बात करें तो ऑफिशियल्स नोटिफिकेशन, सबसे पहले अलर्ट आपको दे देती हूँ। अलर्ट ये है कि आपको यहाँ पे आपका लास्ट डेट जो है 30 नवंबर, वो एक्सपायर होने से पहले ही आपको यहाँ पे आप अपना फॉर्म भर लीजिए। जी हाँ, फिर से डेट एक्सटेंड कर दी गई थी, 15 नवंबर जो डेट थी लास्ट, फिर वो अपडेट होके, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एंड फिर से आपको बताना, अलर्ट करना, इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है और वो काम तो मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। 30 नवंबर 2020 से पहले ही अपना सारा यहाँ पे ऑनलाइन आपका जो कोर्सेस है वो, उसका प्रोग्राम, यानी आप एडमिशन यहाँ पे ले लो। अपॉर्चुनिटी गोल्डन है, नहीं, डायमंड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर हम कहें कि इससे ज़्यादा मौका आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बार डेट एक्सटेंड नहीं होती है, और पॉसिबल है 30 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 30 से पहले पहले भर लीजिए, आपको आपके ऑप्शनल सेंटर्स भी मिल जाएंगे और आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं। एग्जाम फॉर्म भी फिलअप कर लीजिए, आपको ऑप्शनल आपका जो भी सेंटर चाहिए वही मिलेगा। यहाँ पर आपको बता दूँ कि STSC वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फ़ी जो है ना वो कम किया जा रहा है, यानी अब STSC वालों के लिए ये लागू हो रही है। आपको यहाँ पे आपको बता दो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो STSC उसके लिए और एडमिशन्स के लिए, आपको बता दो लास्ट डेट एडमिशन्स 30 नवंबर, जल्दी से एप्लीकेशन भरिए, शुरू कीजिए। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी, यहाँ पे इग्नू की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन री इवेल्युएशंस के जो कॉपी और आंसर स्क्रिप्ट है TEE दिसंबर के लिए, यानी टर्म इन एग्जामिनेशन 2019 वाले और जून 2020 वाले स्टूडेंट्स के लिए, जून 2020 वाले स्टूडेंट्स, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे फाइनली सितंबर वाले एग्जामिनेशन जिन्होंने अपियर किए, जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया, उनको अगर अपना री इवेल्यूएशन कराना है
और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट चाहिए तो आप इस चीज़ को जल्दी अप्लाई कीजिए, फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है मैंने पहले भी दी थी, फिर भी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस, जैसे आप यहाँ पे आके ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी। फ्यूचर में भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, अगर आप सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए नहीं है तो फ्यूचर में भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपके 2-4 नंबर या 10 नंबर 20 नंबर कम हो गए और आपको लग रहा है कि हमारे साथ तो यहाँ धोखा हो रहा है, मैंने तो सही से पेपर दिया था फिर मुझे फेल क्यों किया गया, तो इस वजह से ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। देखिए 750 रुपया आपको री इवेल्युएशंस के लिए लगेंगे, फॉर्म वगैरह सारे रूल रेगुलेशंस मैंने आपको बताए थे, 3 दिन का मैं 30 डेज आपका समय होता है सबमिशंस के लिए, उसके बाद आपको बता दूं कि री इवेल्युएशन किस चीज़ का नहीं होता है। प्रैक्टिकल्स जितने भी हैं, वर्कशॉप, सेमिनार, एक्सटेंडेड कैंपस प्रोग्राम, इंटर्नशिप, इस वाइवा वॉइस टीचिंग प्रैक्टिस, इन सारी चीज़ों का आंसर स्क्रिप्ट रीवैल्यूएशंस नहीं होता है, तो आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखिए। उसी तरह यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को भरिए और जल्दी से जो क्राइटेरिया है फुलफिल कीजिए, अगर आप चाहते हैं तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। रिजल्ट लिस्ट असाइनमेंट की फिर से एक्सेप्ट और रिजल्ट लिस्ट आ चुकी है। अब मैं बात करती हूँ रिजल्ट लिस्ट और एक्सेप्ट लिस्ट के, बहुत सारे कारण होते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के, उसमें से अगर आप बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने सही से नहीं दिया, डिफरेंट हैंड राइटिंग हो गई, आपने अगर टाइप करके दिया है, एक ही पेपर भी दिया है तो फिर भी गलत हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि फिर से मैं आपको बताऊँ कि कैसे आप इसे अपलोड करो, कैसे आप इसे बनाओ फ्रंट पेज, तो उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है, फिर से जानना है तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट करना। और जी हाँ, इंस्टा आईडी पे जरूर जुड़ जाइए, वहाँ से आपको डायरेक्ट जितने भी सवाल है ना डायरेक्ट तुरंत आंसर मिलेंगे। उसके साथ हम बात करते हैं यहाँ पे जिनका यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि असाइनमेंट के लिए यहाँ पे रिसीव लिस्ट, अब देखिए रिसीव लिस्ट भी दी हुई है, रिजेक्ट लिस्ट भी दी हुई है, हर एक रीजनल सेंटेंस पे अलग अलग है, आप अपना ज़रूर चेक कीजिए। रीजनल सेंटेंस वाइज अगर हम बात करें तो कोहिमा की है, कोहिमा का रिजेक्ट और एक्सेप्ट लिस्ट भी यहाँ पे आया है, और ये भी आपको बता दूँ इतने सारे रीजनल सेंटर्स हैं, सब पे जाके चेक कीजिए। अब आपको बता दूँ यहाँ एक सेंटर्स में है, लेकिन इतने सारे रीजनल सेंटर्स हैं, इन सारे सेंटर्स पे आपका जो भी रीजनल सेंटर है आप उस पर जाइए, विजिट कीजिए, देखिए कि आपका एक्सेप्ट हुआ है रिजेक्ट हुआ, वहाँ नहीं शो करेगा तो शो कहाँ करेगा, शो कहाँ होगा वो मैं आपको बताती हूँ। आप अपने जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं इग्नू के, वहाँ आपको एक सारी चीज़ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सपोज मैं बात करूँ यहाँ पे आपको, आप डायरेक्ट लॉग इन करके भी देख सकते हो, वहाँ से भी आपका एक्सेप्ट और रिजेक्ट बता दिया जाएगा, गूगल फॉर्म से किया है या फिर ऑफलाइन किया है चाहे ऑनलाइन, आपको वहाँ पता चल जाएगा कि आपका एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। फिलहाल ये सिर्फ जून वालों के लिए हुआ होगा, ये दिसंबर वाले जो हैं जिन्होंने जिनको दिसंबर में परीक्षा देनी है, सेशन जो दिसंबर का है यानी जनवरी वाला, उनकी तो अभी डेट शुरू हुई है एग्जामिनेशन फॉर्म्स के लिए, तो देखिए सबमिट्स के लिए सबमिशन, प्रोजेक्ट और प्रपोजल्स के लिए यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे आ चुका है, तो अलग अलग है, जैसे रीजनल दिल्ली रीजनल सेंटर्स की है द्वारका स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे रीजनल सेंटर्स में, ऑलमोस्ट जितने भी इग्नू के रीजनल सेंटर्स में सेम ऐसे ही फॉर्म है, ईमेल आईडी, आपका नेम कोर्स चूज करना है आपको प्रॉपरली, जब भी आपका नेम कोर्स है यही सारी चीज़ों में ये गलतियाँ कर देते हैं, अपना कोड नहीं चूज़ कर पाते, क्योंकि इग्नू में इतने सारे कोड है ना सब्जेक्ट के, बेचारे स्टूडेंट्स समझ ही नहीं पाते कि कौन से एग्जाम कौन सा पेपर है मेरा कौन सा कोड होगा, तो अगर आप नहीं समझ पाते दोस्तों तो वो सारी चीज़ें भी शर्माइए मत, अगर आपको नहीं पता है तो हम है ना हेल्प करने के लिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी मदद करेंगे। कोर्स कोड आपका जरूर जाना आपको जरूरी है, उसके बाद आपको स्टडी सेंटर कोड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टडी सेंटर कोड आपका क्या है, स्टडी सेंटर कोड आपको पता चल जाएगा आपके आपके एप्लीकेशन स्टेटस से, और उसके बाद आपको बता दूं कि आपको इससे पता चल जाएगा अपने रीजनल सेंटर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत सारी तरकीबें मैंने आपको बताई थी, अगर आप वीडियोस कंटिन्यू देखते हो तो ज़रूर मिल जाएगी। इनरोलमेंट नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें, और वन बाय वन करके आपको अपलोड करनी है, अपलोड बहुत ध्यान से करना वरना सारी मेहनत फिर वेस्ट हो जानी है। उसके बाद आपको बता दूं यहाँ पे न्यू दिल्ली की तरफ से बहुत सारे रीजनल सेंटर्स के रीजनल सेंटर्स दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट दिखा दोगे तो भाई यहाँ पे चिल्लाने लगते हैं लोग। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ प्रमाण पत्र और सेमेस्टर आधारित कार्यक्रमों को छोड़कर सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए जुलाई 2020 में नए प्रवेश की अंतिम तिथि 15 से 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। अब देखिए सारे ऑफिशियल यही चीज़ मैं अगर आपको पहले ही बता दूँ तो सारी चीज़ें बता देती हूँ, तो फिर पता नहीं क्या होता है, आप सब भरोसा करते हो, आपके भरोसे को यहाँ पे कोई
भटका देता है। तो प्लीज हमेशा से भरोसा बनाए रखो, आप आगे जरूर बढ़ोगे। जैसे प्री असाइनमेंट दिया, इतनी मदद की, आगे भी हम आपके लिए सारी सेवाएं करने के लिए तैयार है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको बतानी तो थी ही, पोस्टपोन फरवरी एग्जामिनेशन, क्या पोस्टपोन हो जाएगी फरवरी एग्जामिनेशन? अगर पोस्टपोन हो गया तो क्या आपको लगता है इग्नू का फैसला सही होगा या गलत, आप बताइए। क्योंकि देखिए इग्नू यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी तब है जब आप हो स्टूडेंट्स, और उसके बाद इग्नू आप पे हुक्म चला रही है। गजब की बात है यार, पहले तो जून वाले को कर दिया दिसंबर और फाइनल ईयर वालों को ले लिया एग्जामिनेशंस। जल्दी जल्दी में रिजल्ट भी दे दिए, कुछ के अच्छे रिजल्ट आए, कुछ के बहुत बुरे रिजल्ट आए। उसके बाद किसी किसी का रिजल्ट अभी तक फंसा हुआ है। उसके बाद क्या किया, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स का तो चलिए उनको तो निकाल दिया गया, लेकिन यहाँ पे फंस गए फर्स्ट ईयर वाले, सेकेंड ईयर वाले। अब इन सारे स्टूडेंट्स को क्या किया जाए, दिसंबर से फिर इनको आगे कर दिया गया फरवरी। अब फरवरी में भी कोई गारंटी नहीं है कि फरवरी की एग्जामिनेशन भी होगी। ये प्लानिंग है कि जून और फरवरी में एक ही साथ, जून में वाले सेशन में, जो जुलाई वाले सेशन में एग्जामिनेशन होती है उसमें साथ में एग्जामिनेशंस लेने की तैयारी। अगर इस तरह हुआ तो सोचिए आपको कितनी ज़्यादा इसमें दिक्कत हो जाएगी। पहले तो आपको एक साल बर्बाद पूरी की पूरी तरह से, उसके बाद भी है कि आपको एक साथ बर्डन हो जाएगा एक साथ एग्जामिनेशंस के लिए। और जून के एग्जामिनेशन में आप एक साथ आप एग्जामिनेशन दोगे, यानी एक पेपर दे के आओगे, फिर नेक्स्ट डे आपको दूसरा पेपर है, थर्ड डे, यानी आपको नो गैपिंग, नो तैयारी करने की कोई भी चीज़ नहीं। वैसे भी इग्नू सिर्फ स्टडी मटेरियल आपके घर तक पहुंचाने के अलावा और कुछ काम नहीं करता, उसके लिए भी वो 1200-1200 रुपये से ज़्यादा वो फी लेता है। दिस इज़ रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग। इसलिए मैं कहती हूँ स्टडी मटेरियल मत लो, उसमें इतनी ज़्यादा गलतियाँ होती है। कभी खोल के देखना स्टडी मटेरियल, मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स खोल के भी नहीं देखते, कभी खोल के देखना कितनी सारी गलतियाँ हैं उसमें, स्पेलिंग मिस्टेक और थ्योरीज भी बहुत ज़्यादा गलती है उसमें। तो स्टडी मटेरियल मत पढ़ो स्टडी मटेरियल से, सबसे अच्छा है आप नीरज पब्लिकेशंस की बुक लो, उसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से मिलेंगी, अच्छे से तैयारी होगी। लेकिन पोस्टपोन होने की बात है तो इससे ज़्यादा अगर पोस्टपोन हुआ तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ यार हल्ला बोलो, बोलो ना कि पोस्टपोन कर दो। यूनिवर्सिटी में एक बात बताओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन लेके पहुंच गए थे, जैसे दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटी में, तो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में क्यों आप नहीं इस चीज़ पे आवाज़ उठा सकते? BHU के बारे में मैंने कहा था, BHU वाले स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया था, लेकिन अब आपको क्यों नहीं किया जा रहा था? इसी वजह से मैंने आपको किया, क्यों इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कर सकती है तो हमारे इग्नू नहीं कर सकती क्या? इसको ख्याल नहीं रखना चाहिए था? यही बातें मैं आपसे कहती हूँ तो आप सुनते भी नहीं। अगर जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे ना, कोई नहीं है, आप जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक, जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे कुछ नहीं होगा। खाना भी खाने के लिए आपको पहले बनाना पड़ता था, वो खाते हो तो इतनी सारा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके प्रमोशन। आवाज़ जल्दी उठाओ, बहुत सारे जब तब मिल के सब आपको सपोर्ट करेंगे, वरना कोई सपोर्ट नहीं करेगा। फिर से आप एक साल और वेट करो, और वैसे भी 4 साल हो चुकी है इग्नू की, यहाँ पूरी की पूरी तरह से आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं अगर यकीन हो रहा है तो यकीन दिला देते हैं, देखिए फाइनली यहाँ पे अब आपका जहाँ 5 साल का कोर्स था वो अब आपका 2 साल, 2 साल का कोर्स आपको 4 साल का समय मिलता था, 4 साल में पूरा कर लो, ऐसा नहीं होने वाला। 4 साल से ज़्यादा, 5 साल था अब 4 साल हो गया, 1 साल कम होगा, क्या पता अगले साल और 1 साल कम करते। इग्नू तो चेंजेस वैसे भी कर रहा है, हर साल चेंजेस हो रहे हैं, तो इस वजह से जल्दी पूरा करने के लिए प्रमोशन से एक फाइनली उपाय है। और अगर प्रमोशंस नहीं देना है, चलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि नहीं चाहते प्रमोशन, तो एटलीस्ट एग्जामिनेशंस तो जल्दी करवा लेते, वो भी नहीं हो रहे। अब आप बताओ इग्नू का फैसला सही था या गलत, कमेंट में आंसर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।